आज मैं बनाने लगी हूँ दही भले। तो उसके लिए मुझे ना ड्राई फ्रूट चाहिए, तो मैं ड्राई फ्रूट के ना छोटे छोटे टुकड़े काट रही हूँ। किशमिश है और ये मिश्री है, तो इसे मैं थोड़ा दरदरा सा कूट लूँगी। तो आगे फिर मिश्री को मैं थोड़ा कूट लूँगी और तो भल्ले बनाने के लिए मैंने ब्रेड ले लिया है, और मुझे चाहिए कर्ड, दही, और मुझे थोड़ा दूध चाहिए, और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मिश्री है, ये धनिया है, और ये है नमक। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आज जो मेरे दही भल्ले बनेंगे उसके लिए ना तो गैस की ज़रूरत है, ना चूल्हे की, ना गैस, ना घी की, ऑयल, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसलिए यहाँ पे ही बनाऊँगी। ये ब्रेड की ना हमने स्लाइसेस की ना साइड, ये जो ब्राउन ब्राउन सी है ना, इसको कटिंग करके निकाल लेना है। ये हमने सारे रिमूव कर लेने हैं। जिस तरह ये करें ऐसे सारे ब्रेड्स की मैंने स्लाइसेस निकाल लूँगी। ब्रेड के स्लाइसेस मैंने निकाल लिए हैं, तो ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ फीलिंग। इस तरह हम ब्रेड से, ब्रेड को दूध में से डिप कर लेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट में मैं मिश्री ऐड कर दूंगी, और इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें मैं काला नमक ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप डालें तो इसे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने ब्रेड ले ली, इसमें हम ऐड करेंगे ये ड्राई फ्रूट्स, और इसे हम इसे बंद कर लेंगे। इसे हम अपनी आपकी मर्जी है जैसे शेप देनी चाहो आप दे सकते हो। तो मैं तो राउंड राउंड ही बनाऊंगी। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट भर लिया, और इसे मैं हल्का हल्का प्रेस करके राउंड शेप दे दूंगी। अब मैं इन्हें करूंगी डेकोरेट। मैंने दही ले ली है, और यह है इमली की चटनी मैंने तैयार कर ली है, और ये है धनिया पुदीने की ग्रीन चटनी, ये भी रेडी कर ली है। तो अब मैं पहले मैं इसमें डाल रही हूँ कर्ड, ये है ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी मैंने डाल दी है, और उसमें मैं डालूंगी मीठी चटनी। ये है इमली की चटनी जो कि मैंने प्रिपेयर कर ली है, आप उसकी वीडियोस देख लें, डिस्क्रिप्शन में रखी हुई हैं। आज मेरे भल्ले बनेंगे बिना ऑयल के, नो तेल, नो झंझट, झटपट बनाएं, झटपट खाएं। तो अब इस पे मैं थोड़ा सा डाल दूँ धनिया चॉप्ड, और इस पे थोड़ी सी मैं भुना हुआ जीरा डालूँगी, और अब थोड़ी सी इस पे मैं ब्लैक
सॉल्ट डालूंगी और थोड़ा सा इसमें मैं हल्का सा काला नमक डालूंगी। तो लीजिए, मेरी भल्ली रेडी है, भल्ले मेरे तैयार हो गए हैं। आप ट्राई करिएगा, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगे आपको।